आना पड़ेगा, बट एफएस के प्लेयर जरूर दिक्कत देंगे टीएसएम एंटिटी के प्लेयर्स को। काशुफ ट्राई कर रहे हैं, उनके पास अभी तक एक भी किल नहीं है, बट फ्री स्टाइल का स्क्वाड एक इंप्रेसिव परफॉर्मेंस का, चारों प्लेयर जिंदा है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द फाइनल सर्कल जो कि इन लोगों ने अचीव करी है अभी। एग्जैक्टली, नंबर्स एडवांटेज यहां पर फ्री स्टाइल के पास, एक अच्छे नंबर्स में बनकर बैठा हुआ है। पीछे से आरसीएस के प्लेयर्स जरूर आना चाहेंगे, मार्चिंग देमसेल्फ इनसाइड द जोन, बट ऑरेंज के स्काउट काफी यूर लेकर नॉकडाउन करके पूरा फिनिश भी करेंगे। ऑरेंज स्काउट के पास 3 किल ऑलरेडी हो चुके हैं, 617 का डैमेज जरूर है, बट अब देखते हैं कितना जल्दी फ्री स्टाइल का स्क्वाड उस कंपाउंड को छोड़ के बाहर आएगा, बिकॉज उनको छोड़ना पड़ेगा। बट टीएसएम एंटिटी का आखिरी प्लेयर इकलौता बचा हुआ नियो, वो प्लेसमेंट के लिए जा सकते हैं। ड्यूएलो यहां पर नॉकडाउन करेंगे, मावी का ऑरेंज का स्क्वाड दिक्कत में आ सकता है, बिकॉज यहां पर रैंडम स्प्रे जरूर जाएंगे, ड्यूएलो कैन फिनिश हिम, बट मावी के बिल्कुल पीछे वीरू भी है, क्या अगर वो सेम लाइन ऑफ फायर में वीरू आते हैं तो वीरू कैन ऑल्सो गेट नॉकडाउन, बट यहां पर ऑरेंज का स्क्वाड जरूर नॉकडाउन करेंगे ड्यूएलो को, बट पीछे से वेब का एक रिटेलिएशन फायर आएगा, वो स्काउट को भी लेके जाएगा, टीएसएम एंटिटी विल गेट एलिमिनेटेड। अब यहां पे हमारे पास सिर्फ 3 टीमें बची हुई, ऑरेंज रॉक है, फ्री स्टाइल का स्क्वाड एंड रिजेक्ट स्कारलेट के वेब यहां पर अभी भी फाइट्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं। फ्री स्टाइल के पास मैन एडवांटेज सबसे बेहतरीन है, 4 vs 1 vs 2 की ये फाइट देखने को मिल रही है। वीरू यहां पर रहेंगे, वीरू गोस ऑन बाय वेब एज वेल, बट वेब गोस ऑन बाय मावी, अकेले बचे हैं मावी इस पूरी फाइट के लिए, टेक्स ऑन मलिक एज वेल, 1 vs 3 के फाइट रहेंगे, लेकिन मावी यहां पर पूरे के पूरे स्पॉट हो जाएंगे। इनके पास हीलिंग के नाम पर सिर्फ 2 बैंडेजेस है, वीरू गोस डाउन, मावी अब अकेले बचे हैं पूरी फाइट निकालने के लिए, ही गोस डाउन एज वेल। फ्री स्टाइल ओपी गेट्स that amazing chicken dinner in the first match ever out there in the